السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. आज अल्लाह के फजल से हल्के असम्बली कारवान से यहाँ पर जो बेरोज़गारी का मसला है और सेहत आमा का मसला है, कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से इंशाअल्लाह कांग्रेस बन जाएगी अल्लाह चाहे तो हुकूमत, तो आप सबको मालूम है किस तरह से हमारे कांग्रेस की जानिब से जो वादे हैं बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार का गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम करने का और 5 लाख रुपये तक लोगों के लिए यानी तिब्बी इमदाद देने का और साथ ही साथ खवातीन के लिए पूरे स्टेट में बस पास फ्री करने के लिए, इसके अलावा बेरोज़गार नौजवानों का जो मसला है वो सबसे अहम मसला है। बेरोज़गारी की वजह से नौजवान जराइम पेशा बन रहे हैं, जराइम देख रहे हैं शहर में रोज़ाना 2-3 कत्ल, कभी 5-6 भी कत्ल हो रहे हैं। लैंड ऑर्डर का इतना बड़ा मसला हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, नौजवानों की इसलाह करने वाला कोई नहीं है, इस्लामी माशरे के लिए कोई काम करने वाला नहीं है, इत्तेहाद के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए सबको जोड़ कर लेकर चलने का खाली जो नारा लगता है, अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। आप कर्नाटक में देख चुके हैं, कर्नाटक में गवर्नमेंट आने से पहले किस तरह से यानी हिजाब का मसला फलाना फलाना लिंचिंग के मसले हो रहे थे, अल्लाह का फजल है तमाम हिंदू मुस्लिम मुत्तहिदा तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस को हुकूमत सौंपे हैं और आज सिद्धारमैया जी जिस तरह से उनके साथ बी के शिवकुमार साहब किस तरह से वहाँ अमन आमान कायम रखे हुए हैं और जिस तरह से वहाँ जो मसाइल थे उसको काबू करने के लिए काम चल रहा है, हम गुजारिश करते हैं हल्के असम्बली कारवान की आवाम से, कोली मस्जिद का मसला है, कोली मस्जिद के ज़मीन पे सबको मालूम है शादी खाने कैसे बन चुके हैं, ये मसले भी हल करना है और मूसी रिवर में खाली करीब 1,000 करोड़ उसमें लगा दिए, क्या हुआ लैंड ग्रैबिंग के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा हमारे हलके के आप सब लोग जानते हैं, लंगरों से आगे बढ़ जाइए, सिकंदान सर, टोली चौकी, मुफ्त हकीम पेट, मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह से विरासत कॉलोनी, सज्जाद कॉलोनी, मुख्तलिफ मुकामात पर जो मसाइल हैं, अगर रोड खोद के रख दिए तो महीनों रोड खुदी नहीं। मैं ये डीआरएस गवर्नमेंट जिस तरह से कि पैसे खर्चा करने का हमारे एरिए के लिए डेवलपमेंट करने के लिए पैसे खर्च करने का दावा कर रहे हैं, ये सब झूठे दावे हैं। देखिए शातिन तालाब का क्या हाल है, उसके अलावा जो जमाली कुंटे का मसला किस तरह से है, मुख्तलिफ मुकामात पर गंदगी कचरे के अंबार रोडों पर फैले हुए हैं कि जी देखिए नाकारा है GHMC हुकूमत नाकारा है और मुसलमानों के साथ जो TRS गवर्नमेंट किस तरह से जो धोखा दी उसके खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना है और TRS के झूठे वादों को ये वक्त आ गया है 2023 में उनको आखिर अंजाम तक पहुंचाना है, उनके इख्तदार का खात्मा करना है और इस रियासत में बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिलाने